नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को अंतिम चेतावनी मिल गई है, यानी कि अंतिम जमानत जो है कोर्ट से उनको मिल गई है। अब इनकी जो है सुनवाई 20 जुलाई को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अब जो है जमानत मिल गई है, इनकी अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी और यहीं आपको बता दें कि यह अंतरिम जमानत होगी। आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। राउत एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को उनकी अर्जी पर बेल मंजूर कर दी है। भाजपा के सांसद खुद अदालत में पेश हुए। इस दौरान उनके घर और कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा रही। कोर्ट ने इस केस में अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है, तब तक के लिए वह बेल पर रहेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह का पक्ष रखते हुए वकील ने कहा है कि जब चार्जशीट दाखिल कर रही तब उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो उसका मतलब है कि उनके खिलाफ कोई सबूत या दावे नहीं है, ऐसे में उन्हें अंतरिम बेल मिल जानी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि 20 जुलाई को कोर्ट ने नियमित बेल पर सुनवाई करेगा, उसका फैसला आने तक वह अंतरिम जमानत पर रहेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ ही उनके करीबी और कुश्ती महासंघ के अधिकारी रहे विनोद तोमर भी अंतरिम जमानत मिल गई है। उस पर भी कुल 6 मामलों में 2 आरोप लगे हैं। उन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ सह आरोपी बनाया गया। 2 मामलों में पहलवानों ने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसे वक्त में मुलाकात करते थे जब वह अकेले हों। कई बार उनके पति एवं अन्य परिजनों को भी ब्रजभूषण शरण सिंह के दफ्तर के बाहर रोका गया था। आपको बता दें, इस सब के बीच में अब जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल गई है। अब उनको जो है 20 जुलाई तक रुकना होगा। 20 जुलाई के बाद अब जो है कोर्ट उस पर दोबारा से फैसला करेगी और अंतिम फैसला तब आएगा। फिलहाल के लिए उनको अभी जमानत दे दी गई है, यह उनकी अंतरिम जमानत होगी। इसके बाद 20 जुलाई को बड़ा फैसला लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब देखना ये होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला क्या लेती है, क्या पहलवानों के हित पर फैसला जाता है या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के हित में फैसला जाता है। देखने के लिए बन रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।